हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन पॉइंट विला। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप स्लीव की कटिंग करते हैं तो आपकी स्लीव की जो लेंथ है वो पूरी नहीं होती है, तो उसको इंक्रीज़ कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हम बहुत ही सुंदर डिज़ाइन भी लाए हैं और साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे कि आप इसकी लेंथ को कैसे बढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्लीव की कटिंग करके रखी हुई है और इसकी लेंथ जो थी वो 17 इंच रेडी करनी थी, लेकिन ये हमारी 15 इंच हुई है। तो 2 इंच कैसे इंक्रीज़ करना है तो वो हम आपको बताएंगे। देखिए, आप क्या करेंगे कि जो बॉटम का कपड़ा है, अगर आपका मैचिंग है, जैसे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो आप ग्रीन कलर की रेड पे पट्टी लगा सकते हैं। इस तरह से आप 2 या 2.5 इंच की पट्टी को काट लें, जितनी की आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है बढ़ाने के लिए उतनी ये पट्टी काट लें। और इस पट्टी को आप कोई भी डोरी का डिज़ाइन, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बारीक पाइपिंग जो है वो इसके पे मैं यूज़ करूँगी। तो आप भी इस तरह से कोई भी पाइपिंग, गोटा या कुछ अलग सी पाइपिंग ले सकते हैं, तो वो इस पे आप फैब्रिक पे यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो आप थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के अपनी लेस को या फिर अपनी पाइपिंग को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से मशीन से स्टिच करते हुए इस तरह से सिंगल कपड़े पे आप स्टिच कर लेंगे मशीन से। फ्रेंड्स, पाइपिंग लगाना आप हमारे स्लीव वाले वीडियो पे या अपने शर्ट में जिसमें पाइपिंग नेक या यूज़ किया हुआ है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम इस पर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने, देखिए पीछे से दिखाती हूँ, यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है और यहाँ से सिलाई करके हमने पाइपिंग को पूरा स्टिच कर लिया है सिंगल कपड़े पे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपनी पट्टी को आप डबल फोल्ड कर लें, इस तरह से डबल फोल्ड कर लें ऐसे ही। और यहाँ पे आपने इधर से यहाँ रखना है आपने इसको, ये देखिए ये आपने रख लिया। और अब आप क्या करेंगे, सीधी तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे जब हमने उल्टी तरफ हमारी सिलाई उभरी हुई है, जब हमने पाइपिंग को लगाया था, तो इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है आपने, तब आपकी सिलाई जो पाइपिंग है वो बिल्कुल इस तरह से बाहर आएगी। तो फ्रेंड्स, आइए सिलाई लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बराबर रखेंगे यहाँ पे और सिलाई के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा अपने सिलाई के ऊपर लगाना है, थोड़ा अटक जाता है तो उसको आप पीछे से खींच सकते हैं, क्योंकि पाइपिंग लगाने के बाद जो है वो सिलाई लगाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप पीछे से खींचेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको भी आपने बराबर पकड़ना है। कई बार होता है कि हम सिलाई लगाते चलते हैं आगे को और नीचे से फैब्रिक जो है वो एक लेयर खिसक जाती है, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, दोबारा उधेड़ने का काम पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, चेक करते रहें। अब हमने पीछे की तरफ से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से उल्टा किया है और ये जो पाइपिंग है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाहर आई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैब्रिक है साइड पे, वहाँ पे हम दबाव की सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो है वो ये ऊपर का उभरा हुआ कपड़ा जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हम डबल सिलाई लगाएंगे, कुछ इस तरह से आएगी। आपने इस तरह से सिलाई लगाते हुए आगे बढ़ना है और पूरा इसको कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और ये आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा कि आपने लेंथ को बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ाना है। ये देखिए, अब हमने दबाव की सिलाई लगा ली है और ये कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसके फ्रंट पे क्या करेंगे, फ्रंट पे भी हम पाइपिंग जो है वो इस तरह से फ्रंट के यहाँ भी डबल पाइपिंग इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह से पाइपिंग लगाते हुए फैब्रिक रख लेना है और नीचे अपने डोरी को रख लेना है, पाइपिंग को रख लेना है। और अब हम यहाँ पे नीडल को नीचे करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा इसको आगे करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
अपने फैब्रिक को इस तरह से लेस को भी टाइट पकड़ना है और फैब्रिक को भी, तभी जो है वो इसका टेढ़ी मेढ़ी नहीं आती, बिल्कुल स्ट्रेट आती है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से आपने फैब्रिक को भी कस के पकड़ना है और डोरी को भी कस के पकड़ना है। फ्रेंड्स बहुत ही तरीका आसान है, देखिए मैंने भी ये ट्राई किया है और तभी मैं आपको इसको बहुत ईजी वे में बता रही हूँ कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगा आपका। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बारीक पाइपिंग आई है हमारी डबल साइड पे, जो हमने इस पर यहाँ पे देखो जोड़ डाला था पीछे और हमारी लेंथ भी बढ़ गई है, अब ये 17 इंच कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है और मैं जो भी वीडियो आपको बताती हूँ ये पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ फिर मैं आपके लिए लेके आती हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी तरीके से ये बनता है और अब आप इसको और भी स्टाइलिश बनाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बटन यहाँ पे रखे हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे बटन्स को लगा सकते हैं और इस डिज़ाइन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये आप अपनी कुर्ती पे बना सकते हैं, देखिए कुर्ती पे आप बनाए ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इनको बिल्कुल पास पास भी लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगा आपका। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है ऐसे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स अगेन आप हम बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।